हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बेंगलुरु के पी सी बोर्ड के बारे में। अभी तक 5 मैचेस जो है बेंगलुरु में हो चुके हैं और आरसीबी के जो है सिर्फ 2 मैचेस और जो है बेंगलुरु में बाकी हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अब इस 2 मैचेस जब हो जाते हैं तो यहाँ पर क्वालिफायर मैचेज भी होगा वो जो है नहीं है। यहाँ पर फिर क्वालिफायर मैचेज हो कहीं और ही रखा गया हो, जो कि आपको पता चल गया होगा। तो अब यहाँ पे किस तरीके से मैचेस हो सकता है, कैसा हो सकता है, उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये जो 5 मैचेज रिसेंट में हुए हैं वो किस तरीके के हुए हैं और कैसा जो है आगे वाले जो 2 मैचेज है वो हो सकता है, क्योंकि 5 मैचेज आप देखोगे तो 5ों जो है वो हाई स्कोरिंग मैसेज है। इवन हाई स्कोरिंग मैसेज कौन से मैसेज होते हैं, देखो जो भी मैसेज जो अपने एवरेज स्कोरिंग से ऊपर निकल जाता है वो हाई स्कोरिंग है। यहाँ पे एवरेज स्कोर देखोगे तो कितना है, 165 के आसपास है। और यहाँ पे जो 5ों मैसेज हुए हैं उसमें आप देखोगे तो क्या देखने मिलेगा कि जो 5ों स्कोर है वो जो है 170 से ऊपर रहा है। उस इवन जो है उसमें से 2 है वो 200 से ऊपर रहा है, और उसमें से जो 1 है वो 190 के आसपास रहा है, और जो 2 है 170 के ऊपर रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 5ों मैसेज जो है वो हाई स्कोरिंग मैसेज हो गया। तो क्या यहाँ पे हमें कोई भी एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, या जो रिमेनिंग 2 मैचेज है वो भी जो है हाई स्कोरिंग मैसेज होंगे, किस तरीके से यहाँ से हो सकता है, तो फिर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। लेकिन इस ग्राउंड की लोकेशन आपको पहली बार आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये जो है बेंगलुरु इंडिया में होगा और किस तरीके से मैचेज होते हैं उसको डिटेल्स में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक करना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत ऐसे प्रॉफिट उठा सको, तीजे व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल प्रोड्यूसर सर्च करके, और ड्रीम रन के लिए जब स्क्वाडिंग अलर्ट पर जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको टीम के साथ साथ न्यूज़ भी वो अपडेट हो जाता है, और ये चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के बारे में, तो देखो जो रिसेंट के 5 मैसेज हुए हैं, 5ों जो है वो हाई स्कोरिंग मैसेज हुए हैं, जिनमें से 3 मैसेज है वो डिफेंड हुआ है और 2 जो है वो चेस हुआ है। अब देखो इसमें से जो 3 डिफेंड हुआ उसमें से 2 आरसीबी डिफेंड कराया है, एक जो है वो चेन्नई ने डिफेंड कराया था जहाँ पे 228 रन बनाया था। इसके अलावा जो 2 चेस हुए उसमें से एक जो है वो किसने चेस किया है, तो एक जो है लखनऊ ने चेस किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से लखनऊ ने जो है 200 का टारगेट जो है वो यहाँ पे चेस किया, और एक जो है बेंगलुरु ने चेस किया होगा जो कि पहला मैच आपको याद होगा जो कि मुंबई के खिलाफ जो चेस किया था। तो इस ग्राउंड पे देखोगे देखो बेंगलुरु जो 5 मैचेस खेला है उनमें से चेन्नई से हारा है और लखनऊ से हारा है, बाकी 3 मैचेस जो है वो जीता है, और जो 3 मैचेस जीता है उसमें से 2 डिफेंड करके जीता है, 1 चेस करके जीता है। और जो 3 मैचेस जीता है उसमें खास बात ये है कि जो 3ों मैचेस जीता है उन 3ों मैचों में जो है वो 180 से ऊपर जो 190 से ऊपर जो रन नहीं किया, जो लास्ट मैच था वहाँ पर 189 रन जो है बेंगलुरु बनाया था जो कि डिफेंड हो गया था और राजस्थान के खिलाफ। लेकिन उससे पहले के मैचेस देखोगे तो 170 180 के बीच में जो है वो स्कोरिंग था। तो 3ों मैचेस जो बेंगलुरु जीता है उसमें कितना था, 190 से 170 के बीच में जो है वो रन रहा है। और इसके अलावा जो है अगर यहाँ पे जो भी मैचेज हारा है वही मैचेज हारा है जिसमें 200 से ऊपर रन गया है बेंगलुरु ने। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो है वह बेंगलुरु के लिए जो है काफ़ी एक अच्छी बात है कि स्कोरिंग एरिया जो है यहाँ पे काफ़ी ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे बाकी ग्राउंड जो है बेनिफिट कर, जैसे चेन्नई के ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है, वैसा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेंगलुरु का, क्योंकि 5 में से 3 ऐसे भी जो है जीत गए हैं, और अगर ये एक और जीते तो उससे ज़्यादा इनके फेवरेबल में ग्राउंड रहेगा। लेकिन अब जो है मैसेज जो यहाँ पे होगा बेंगलुरु और KKR का मैचेज जब आप यहाँ पे देखोगे तो KKR जो है यहाँ पे ज़्यादा जीता है बेंगलुरु से। अब इससे समझ सकते हो कि जो टोटल 11 मैचेज दोनों के बीच में इस ग्राउंड पे हुआ है और उन 11 मैचेज में से 7 जो है KKR जीता है और 4 जो है बेंगलुरु जीता है। और यहाँ पे जो हमने देखा कि जो फास्ट बॉलर है वो ज़्यादा इंपैक्टफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है वो स्पिन बॉलर, जिसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। चलो एक एक करके जो है सारे मैसेज देख लेते हैं किस तरीके से हुआ है, और उसके बाद जो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जो लास्ट मैच था जो कि 23 अप्रैल को हुआ था, मैच नंबर 32, वहाँ पे आरसीबी जो है 189 रन बनाया और राजस्थान जो है वो केवल 7 रन से जो है मैच हार गया। विकेट देखोगे फास्ट बॉलर को 9 मिला और स्पिनर को जो है 2 मिला, और स्पिनर जो 2-9 मिला था उसमें इसमें एक चहल को मिला था, एक अश्विन को मिला था। चहल को पता है कि इस ग्राउंड पर काफ़ी इफेक्टफुल होते हैं और इकोनॉमी रेट भी अच्छा था। अश्विन का भी जो है एक मिला, लेकिन इकोनॉमी रेट जो है थोड़ा सा चहल से महंगा था। उसके बाद बोल्ट को 2 मिला, संदीप शर्मा को 2 मिला। आरसीबी की बात करते हैं तो डेविन विली को 1 मिला, हर्षल पटेल को 3 मिला और सिराज को जो है 1 विकेट मिला। तो आप देखोगे जब फास्ट बॉलर है क्लियरली उनको ज़्यादा बेनिफिट जो है मिला है एज कम्पेयर टू जो स्पिन बॉलर हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसलिए बैटिंग में देखोगे तो बैटिंग में जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मैक्सवेल और डुप्लेसी का परफॉर्मेंस है बेंगलुरु की तरफ से देखने मिला, और राजस्थान की तरफ से जो आपको यहाँ पे देवदत्त पाड़ीकल का, यशस्वी जायसवाल का, ध्रुव का और जो है संजू का, ये मैच जो आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसके पहले के मैचेस की हम लोग बात कर रहे थे, इसके जो पहले का मैच था वो था मैच नंबर 24। मैच नंबर 24 देखोगे तो चेन्नई जो है यहाँ पे 226 बनाया, मैं 228 बोल रहा था, और वहाँ पे जो है आरसीबी जो है 218 जो है वो रन बनाया था और 8 रन से चेन्नई जीत गया। तो यहाँ पे देखोगे तो 10 विकेट जो है फास्ट बॉलर को मिला था और 4 जो है स्पिनर को मिला था। जो स्पिनर को मिला था मोइन अली को 1 मिला था, इसी तरह देखो थिक्साना को जो है वो 1 मिला था,
और इसके अलावा देखो तो आपको जो है यहाँ पे मैक्सवेल को एक मिला था, हसरंगा को एक मिला था, बाकी जो फास्ट बॉलर थे जैसे तुषार देशपांडे को 3 मिला था, आप देखो पथिराना को जो है 2 मिला था, इसके अलावा जो है आकाश सिंह को 1 मिला था, सिराज को 1 मिला था, वन पेन को 1 मिला था, विजय कुमार को 1 मिला था, इसके अलावा जो आप देखो तो हर्षद पटेल को 1 मिला था, जो फास्ट बॉलर थे उनको ज़्यादा जो है विकेट यहाँ पे देखने को मिला। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बैट्समैन थे, बैट्समैन किस तरह परफॉर्म किया था, बैट्समैन देखोगे तो जो टॉप ऑर्डर है जैसे कि डिवेक कॉनवे, सीएम डी वी, अजिंक्य रहाणे, इनको अच्छा परफॉर्मेंस मिला, और सेम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जो आरसीबी की तरफ से टॉप ऑर्डर है उनको जो है अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके पहले का मैच था, इसके पहले का मैच देखोगे दिल्ली के खिलाफ हुआ था, दिल्ली के खिलाफ जो है आरसीबी वहाँ पे 174 बनाया था और उसे जो है डिफेंड कर लिया था, जहाँ पे फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिला और स्पिनर को जो है 5 मिला, और यहाँ देख सकते तो मिशेल मार्श को 2 मिला, इसके अलावा जो है विजय कुमार को 3 मिला, सिराज को जो है 2 मिला था, वार्न पेन को 1, हर्षल को 1 मिला था, कुलदीप को 2 मिल गया था, यहाँ पर ललित को 1 मिला था, अक्षर को 1 मिला था, और एक जो है आपको अंबू हसरंगा को मिला था, और मंगलू हसरंगा का इसमें इकोनॉमी रेट बहुत ही महंगा था, बहुत ही महंगा। इसके अलावा बात करते हैं बैटिंग है, तो बैटिंग में देखोगे जो यहाँ पे देखोगे तो जो टॉप ऑर्डर था वही परफॉर्म किया यहाँ पे आरसीबी की तरफ से भी, और यहाँ पे हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के जो टॉप ऑर्डर था अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, हालांकि उस मैच में मनीष पांडे को जो है 50 रन यहाँ पे देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इसके पहले के मैचेज हुआ था, इसका पहले के मैचेज आप देखोगे तो आपको जो है आरसीबी और लखनऊ को दिखाई देगा, जहाँ पे आरसीबी 212 बनाया था, लखनऊ जो उसे चेस कर लिया था 1 विकेट से, फास्ट बॉलर को वहाँ पर 9 मिला था और स्पिनर को जो है 2 मिला था, और उसमें भी देखोगे तो मार्कुट को 1 मिला था लखनऊ तरफ से, और अमित मिश्रा को 1 मिला था, आरसीबी तरफ से सिराज को 3 मिल गया था, वन पेल को 3 और हर्षल को 2 मिला था, कर्ण शर्मा को जो है 1 मिला था। इसके अलावा अगर हम लोग बैटिंग की बात कर लेते हैं, बैटिंग में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो आरसीबी था उसका टॉप ऑर्डर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, और लखनऊ तरफ से भी जो इनका मिडिल ऑर्डर था वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसकी वजह से ये मैचेस चेस कर पाए थे। तो इस चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि बैट्समैन भी कैसे कौन सा परफॉर्मेंस जो वो दे रहा है और बॉलर भी जो आपको कौन सा दे रहा है, ये सारे जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि एक अच्छा सा सीनरी में आप जो एक अच्छा टीम आप बना सको। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर मुंबई का, मुंबई और आरसीबी की, तो मुंबई वहाँ पर 171 बनाया था, आरसीबी उसे चेस कर लिया, वहाँ पर फास्ट बॉलर को 3-6 मिला था, स्पिनर को 3 मिला था, और वहाँ पर देखोगे तो आपको जो है बैटिंग की बात करते हैं तो तिलक वर्मा ने 84 बनाया था, और नेहल ने जो है 21 बनाया था, आरसीबी की तरफ से कोहली और डुप्लेसी ने जो है ये काफ़ी अच्छा मदद किया था यहाँ पर चेस करने में, और ये जो है चेस कर लिए थे, हालांकि ब्लास्ट में जाकर जो है थोड़ा सा 1-2 विकेट आउट जरूर हुए थे, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इन्होंने चेस कर लिया था इस विकेट पर। तो ये जो सीनरी रहा ना था कि अभी तक जो 5 मैचेज है उसको हमने कंप्लीट एनालिसिस देख लिया, कि 5 मैचों में हमने कंप्लीट एनालिसिस देख लिया इस ग्राउंड का, और अभी तक यही देखा देखो चाहे दिन के मैचेज हो चाहे रात के मैचेज हो, वहाँ पे विकेट जो है फास्ट बॉलर को ज़्यादा मिलता है, तो फास्ट बॉलर को जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे इस ग्राउंड पे लेके चलना है। बैटिंग की बात करते तो टॉप ऑर्डर है बेंगलुरु का, हमेशा टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म किया है, तो अगर बेंगलुरु से आप अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो तो इनके टॉप ऑर्डर को जो है पिक कर सकते हो। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अपोजिशन टीम है, तो अपोजिशन टीम में आप देख लेना कि कौन सा जो कैटेगरिया है कहाँ पे जो बैट्समैन है वो परफॉर्म कर रहा है उसको आप पिक कर सकते हो, क्योंकि वो यही ग्राउंड पे जो है यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, और दोनों टीमों में यहाँ पे बहुत ही टक्कर का जो है मैचेज होता है आरसीबी और केकेआर की बात करते हैं तो, और अपने पिछले बहुत सारे मैचेज अगर इनका देखा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मैचेज होता है इनके ये बहुत ही धूमधाड़ वाला मैसेज होता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है मैसेज परफॉर्म करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़ना चाहते क्योंकि इंडस्ट्री इंटरव्यू में बहुत ही प्रॉफिट उठा सकती है, जो व्हाट्सएप का नंबर है, साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल पर सर्च करके, और डीमेन जो बॉस स्कॉडिंग एलेवन पर जुड़ सकते हो जहाँ पर आपको इस रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो होप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।